अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्पैगेटीज, और थोड़े से डिफरेंट वे से बनाएंगे। स्पैगेटीज बहुत डिफरेंट वे से बनती है, सबका डिफरेंट वे होता है, तो आज आप मेरे वे से बनाइएगा। हमें चाहिए एक पैक स्पैगेटी, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप निकोलसन की लेनी है। उसके बाद चाहिए हमें चिकन, ठीक है। चिकन को मैंने इस तरह क्यू फॉर्म में छोटा छोटा काट लिया है। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए गाजर और शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। नमक मिर्च में हमें चाहिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ठीक है, टिक्का मसाला। टिक्का मसाला भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सोया सॉस और चिली सॉस, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी स्पैगेटी। साथ में हम यूज़ करेंगे ऑयल का। तो अब आए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमें क्या करना है। सो लेट्स गो। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, मसाला लगाना है। मैं अकॉर्डिंग अपने चिकन के मसाला लगाऊंगी, आप लोग अपने चिकन के हिसाब से मसाला लगाइएगा। टू टेबल स्पून ऑफ टिक्का मसाला मैंने इस पर लगा दिया है। टू टेबल स्पून ही हम डालेंगे इसमें ऑयल। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। हमारा हो गया इंग्रेडिएंट मिक्स अच्छी तरह से। इसको हम रखते हैं एक साइड पे आधे घंटे के लिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम अपनी स्पैगेटीज को तोड़ लेते हैं। मैं एक पैकेट बना रही हूँ, आपने अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको सेम रखते हैं पूरा ही, लेकिन मैं पूरा नहीं रखती, मैं इसको बीच में से तोड़ती हूँ। इस तरह हम इसको सबको वन बाय वन तोड़ लेंगे। हमारे स्पैगेटीज मैंने तीन पोर्शन में तोड़ लिए। अब हम एक तरफ अपना चिकन मलने के लिए रखेंगे और एक तरफ हम अपनी स्पैगेटी को बॉईल होने के लिए रखेंगे। पैन में मैंने चिकन डाल दिया है और इसी पैन में मैंने पानी डाल के, इस पर मैंने पानी डालना है, उसको हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और उसको अब हम रखेंगे कुक होने के लिए। चिकन मैंने बनने के लिए रख दिया है, मीडियम आग है, ठीक है। और चिकन हमारा जब बन जाएगा, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने रख दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट,
वन टेबल स्पून ऑफ ऑयल, इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। और पानी को बॉईल होने के लिए अब हम छोड़ देंगे। चिकन हमारा पकना शुरू हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे पानी को बॉईल होने तक हम वेट करेंगे। चिकन हमारा तकरीबन हो चुका है और होने वाला है पानी ड्राई होगा तो हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारा पानी हो चुका है बॉईल, उसके अंदर हम डालेंगे अपनी स्पैगेटीज। और उसको एक दफ़ा करेंगे अच्छे से मिक्स पानी के अंदर और लेट इट बी बॉईल। चिकन हमारा हो चुका है, मैंने एक पैन में लिया है ऑयल, उसमें हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल। वेजिटेबल को करेंगे हम अच्छी तरह से फ्राई जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले और थोड़ी सी सौते ना हो जाए। वेजिटेबल हमारी देखें सौते होना शुरू हो गई हैं। डालेंगे अपनी चिली सॉस, टू टू थ्री टेबल स्पून। सोया सॉस थ्री टेबल स्पून। हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। क्वार्टर टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर। Set well. चिकन जो हमारा हो गया था, मैंने थोड़ा थोड़ा उसके अंदर पानी रखा था, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन को और सारे मिक्सचर को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। और मिक्सअप करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ऑलमोस्ट रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा रखना है। नूडल्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं बॉयल, बिल्कुल भी कोई नूडल एक दूसरे के साथ चिपका नहीं है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि नूडल जब हम इस तरह बॉयल कर लेते हैं और फिर उसमें मसाला मिक्स करते हैं तो अक्सर चिपचिपाहट रह जाती है। वो चिपचिपाहट इसलिए रहती है कि हम इसका प्रॉपरली जो बॉईल करने के बाद पिंच होता है, जो इसकी पिच होती है, हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो उसको निकालने के लिए अच्छे से उसको पानी में, आप ठंडे पानी से एक दफ़ा अच्छी तरह धोएं। ये देखें, मैंने ठंडे पानी से धो लिया है और बिल्कुल नूडल्स सेपरेट हैं, अलग अलग हैं और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, मैंने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं किया।
बाकी भी स्पेगेटी डाल देंगे हम इसके ऊपर। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पर, और जैसे ये दम होती है तो फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। स्पेगेटी हमारी हो चुकी है, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। बिल्कुल 100% ओके बनी है ये, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार स्पेगेटी बनी है। और मैं अब आप उसको सर्व करके दिखाती हूँ। हेयर यू गो, आप बिल्कुल करीब से भी देख सकते हैं, इट्स सो यमी, सो डिलीशियस and looks amazing. Hope you like the video. ज़रूर इसको try कीजिएगा और मुझे comment में बताइएगा कि आपको किस तरह का लगा इसका ज़ायका, कैसी बनी आपकी spaghettis. Next video तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, next किसी अच्छी सी video का इंतज़ार करें, जल्द वापस आऊँगी, take care.